सीमा हैदर को भारत की नागरिकता दिलाने के लिए वकील ने लिखी राष्ट्रपति को चिट्ठी। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीमा ने कहा, पाकिस्तान वापस जाने पर हो सकती है हत्या। एंट्री जो है वो इलीगल हुई है, तो अगर कानून ने आपको वापस भेजा जाएगा तो पहले तो मुझे तो जिंदा रखेंगे नहीं, और मेरी बेटियों का भी जिंदगी खराब हो जाएगी सर। तो पाकिस्तान नहीं सर, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। पाकिस्तान के नाम से मुझे खौफ आता है सर। रोजगार मेले के तहत सरकारी विभागों और संगठनों में 70,000 से ज्यादा लोगों को पीएम मोदी देंगे नियुक्ति पत्र। सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे संबोधित। जोधपुर में भारी बारिश का कहर जारी। शहर के अंदर उपंती नदियों जैसा पानी बहता नजर आया। एक बुजुर्ग अपने स्कूटर के साथ बहता नजर आया। ज्ञानवापी में विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर में एएसआई सर्वे को कोर्ट ने दी मंजूरी। कार्बन डेटिंग की भी मिली इजाजत। कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष ने मनाया जश्न। नीचे जो खंबे हैं, पिलर्स हैं, व्यास जी का तहखाना है, जो जगह आर्टिफिशियल वॉल से बंद है, उन सारी जगहों पे सर्वे करके कोर्ट के सामने रिपोर्ट सबमिट। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर जूते में मिली 10 करोड़ की विदेशी करेंसी। छिपा कर ले जा रहे थे 3 विदेशी, एयरपोर्ट पर पकड़े गए। छत्तीसगढ़ के दौरे पर जाएंगे अमित शाह। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बैठक में पार्टी के संगठनात्मक स्तर पर चर्चा करेंगे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने मंत्री राजेंद्र गुणा को किया बर्खास्त। राजेंद्र गुणा ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर मणिपुर के बजाय अपने गिरबान में झांकने की दी थी नसीहत। बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए। न तो राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित है और न महिलाओं के सम्मान के लिए आवाज उठाने वाला व्यक्ति या मंत्री इस सरकार में सुरक्षित है। भारतीय भाषाओं में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई के लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई को दी बधाई। सीबीएसई से कहा, नई शिक्षा नीति से बच्चों का भविष्य होगा बेहतर। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देशहित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया।